सोचिए एक ऐसा बर्ड जो आपको सिर्फ स्मार्ट नहीं बल्कि ह्यूमंस की तरह स्ट्रैटेजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स से भी हरण कर दे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रोस की। वो बर्ड्स जो हमारे आसपास तो होते हैं लेकिन इनके सीक्रेट इंटेलिजेंस के स्किल्स दुनिया में कम हाई लोग जानते हैं। क्या आपको पता है कि क्रोस का दिमाग इतना पावरफुल होता है कि ये ह्यूमन फेसेस को याद रख सकते हैं और टूल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्रोस के पास आखिर ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो इन्हें किसी भी और बर्ड से इतना यूनिक बनती है, और कैसे ये बर्ड्स इंसानों से भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन ब्लैक फेदर जीनियसेस के हिडन वर्ल्ड को अनवेल करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए और चलिए मिलते हैं क्रोस के मिस्टीरियस और क्लेवर दुनिया के कुछ छुपाए हुए राजों से। 5 मिनट नॉलेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहली और फैसिनेटिंग बात यह है कि क्रोस का ब्रेन साइज और कॉम्प्लेक्सिटी इतना ज्यादा होता है कि वो ग्रेट एप्स जैसा बिहेवियर दिखाते हैं। स्टडीज ने प्रूव किया है कि क्रोस का ब्रेन टू बॉडी रेशियो ह्यूमंस और डॉल्फिन्स के बाद वन ऑफ द लार्जेस्ट है। ये बर्ड्स अपनी इंटेलिजेंस में किसी भी मैमल को टक्कर दे सकते हैं। क्रोस का एक यूनिक बिहेवियर है इनका टूल्स का इस्तेमाल। ये बर्ड स्टिक्स और लीव्स को अपने छोटे छोटे टूल्स की तरह उसे करते हैं ताकि इंसेक्ट्स को ढूंढ कर खाने में आसानी हो। लेकिन इनका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इसे भी एक कदम आगे है। वो अपने टूल्स को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जो कि बर्ड्स में काफी रेयर है। सोचिए अगर आपने एक पजल सेट किया जो आपको लगता है कि सिर्फ इंसान सॉल्व कर सकते हैं, और तब एक क्रो आता है और अपने इंटेलिजेंस से वो पजल सॉल्व करके फूड कलेक्ट कर लेता है। ऐसा सिर्फ इमेजिनेशन में नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी हो चुका है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि क्रोस इंसान के फेसेस को याद रख सकते हैं। इनकी मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि ये फ्रेंडली और हॉस्टाइल लोगों को याद रखते हैं और उनके साथ अपना बिहेवियर एडजस्ट करते हैं। ये ग्रजेस भी रखते हैं, और अगर किसी ने इनके साथ बुरा किया हो तो वो उस इंसान के ऊपर बार बार अटैक भी कर सकते हैं। क्रोस सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं बल्कि हाईली सोशल भी है। ये अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज को बाकी क्रोस के साथ शेयर करते हैं। ये बात इतनी इंटरेस्टिंग है कि कुछ स्टडीज ने देखा कि क्रोस अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी इंसानों के डेंजरस फेसेस या ट्रिक्स सिखाते हैं। इमेजिन करिए अगर क्रोस का एक पूरा ग्रुप अपने एनिमीज या एक न्यू हैबिटेट पे डिस्कशन कर रहा हो, जिसे हम एक काउंसिल मीटिंग कहें। ये बर्ड्स का आपस में कम्युनिकेट करना और ग्रुप डिसीजंस लेना इनके हाई सोशल इंटेलिजेंस को रिफ्लेक्ट करता है। क्रोस के पास अपनी एक तरह की लैंग्वेज भी होती है। उनके पास अलग अलग कॉल्स होते हैं जो वार्निंग्स, फूड फाइंडिंग और सोशल इंटरेक्शंस के लिए स्पेसिफिक होते हैं। रिसर्च कहती है कि ये बर्ड्स 250 डिफरेंट साउंड्स का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं जो उनके बाकी कंपेनियंस को अलग अलग सिग्नल्स देते हैं। एक और यूनिक बिहेवियर ये है कि जब कोई क्रो मर जाता है तो बाकी क्रोस उसकी डेड बॉडी के पास गैदर हो जाते हैं। ये उनके मॉर्निंग या क्रो फ्यूनरल का पार्ट है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ये एक्चुअली एक वार्निंग सिस्टम है जिसमें वो एनालाइज करते हैं कि इनके कंपेनियन की डेथ कैसे हुई और आगे के डेंजर्स क्या है। स्टडीज ने देखा है कि क्रोस के पास मल्टी स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल होता है। ये कोई सिंगल टास्क सॉल्व नहीं करते बल्कि अगर एक कॉम्प्लेक्स टास्क में कुछ अलग अलग स्टेप्स हो तो वो सिक्वेंशियली इनको फॉलो करके अपना फूड एक्सेस कर लेते हैं। ये टेक्निक किसी भी और बर्ड में नहीं देखी गई। इमेजिन करिए अगर क्रोस इवॉल्व होते होते एक एडवांस सिविलाइजेशन में बादल जाए और अपना स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी बना लें। ये कंसेप्ट आज तो हाइपोथेटिकल है लेकिन इनके इंटेलिजेंस और सोशल स्किल्स को देखते हुए ये इम्पॉसिबल भी नहीं लगता। क्रोस आज के अर्बन एरियाज में भी अडैप्ट कर चुके हैं। ये ह्यूमंस के हैबिट्स को ऑब्जर्व करते हैं और अपना फूड फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ क्रोस ट्रैफिक सिग्नल्स का इंतजार करते हैं ताकि जब कार्स रुकती है तो वो उनके नीचे गिराए हुए नट्स या सीड्स उठाए। एक और अमेजिंग स्किल ये है कि कुछ क्रोस ट्रैश को उसे करके टूल्स बनते हैं। ये छोटे से छोटे वेस्ट को भी इस्तेमाल करके अपना सर्वाइवल और फूड गैदरिंग का तरीका इम्प्रूव कर लेते हैं। सोचिए अगर फ्यूचर में क्रोस और ह्यूमंस आपस में मिलकर अर्बन क्लीनअप में मदद करें और इन इंटेलिजेंट बर्ड्स को स्ट्रैटेजिकली वेस्ट मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व किया जाए तो कैसा होगा।
क्रोस के पास लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन का स्किल भी है। ये ह्यूमंस के एक्शंस को मिमिक कर सकते हैं और जो काम उन्हें बेनिफिशियल लगता है उसका एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। ये बिहेवियर साइंस के ट्रायल एंड एरर मेथड को रिफ्लेक्ट करता है। क्रोस का एक और सर्वाइवल स्किल उनकी मेमोरी है। ये हार्मफुल ट्रैप्स और डेंजरस ऑब्जेक्ट्स को पहचान लेते हैं और अपने एरिया में रहता कोई भी थ्रेट से अपने कंपेनियंस को दूर रखते हैं। क्रोस हमें ये सिखाते हैं कि इंटेलिजेंस और सर्वाइवल स्किल्स सिर्फ ह्यूमंस तक सीमित नहीं है। ये क्रीचर्स हमें ये याद डायलेट है कि नेचर में हर एक क्रीचर के पास अपने स्किल सेट्स और नॉलेज होती है। क्या हम ह्यूमंस कभी इन क्रोस की इंटेलिजेंस का पूरा फायदा उठा पाएंगे और इन्हें फ्यूचर में एक अलाय के तौर पर देखेंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि क्रोस का कौन सा स्किल आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। ऐसे ही और भी नेचर के सीक्रेटिव वंडर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए दुनिया के छुपाए हुए राज।